गुरुद्वारा जाने के लिए हम लोग तैयार हैं और मेरे साथ हैं दो दोस्त। ट्रेन आ चुकी है तो चलिए ट्रेन पर बैठते हैं। ये देखिए ट्रेन पर बैठ करके बाहर के नज़ारे, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, सफ़ेदी। और अब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पहुँचे उस स्टेशन पर जहाँ पर कि जहाँ से उतर के हमें गुरुद्वारे जाना है। ट्रेन के नज़ारे सोच रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाऊं। पहले मैं बैक सीट पर बैठा हुआ था, अभी फ्रंट फेसिंग सीट पर बैठा हुआ। शाम भी होते जा रहा है, लाइट थोड़ा कम हुआ है इसलिए शीशे का रिफ्लेक्शन थोड़ा सा आ रहा है। इसकी तरफ ट्रेन की तरफ कैमरा कर सकते हैं कि नहीं? ओके, कोई बर्फ और बर्फ के ऊपर धूप और ये आती है बस। एक्चुअली हमें बस चेंज करना है, वो ट्रेन बिल्कुल आखिरी पॉइंट तक नहीं जा रही थी तो हमें बीच में उतरना पड़ा और हम दूसरे बस पर बैठने जा रहे हैं। देख सकते हैं कितना सुंदर मौसम हुआ है यहाँ पर, ठंड है, बर्फ है और धूप भी है। राज भाई एक बार हेलो बोल दीजिए। ये हमारे मित्र बोस बाबू और हैं सैमुअल। शायद बस की तरफ कैमरा करना मना है इसलिए मैं बस के अंदर आपको सीन दिखा नहीं रहा हूँ। ये देखिए बाहर के नज़ारे, धूप लगभग ढल चुकी है। टाइम अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, टाइम कितना हो रहा है? टाइम अभी काफ़ी ज़्यादा नहीं हुआ है लेकिन धूप अभी सिर्फ 3 बज रहे हैं तो, लेकिन धूप जा चुका है। यहाँ पर ठंडे में यही होता है कि धूप पहले ही चला जाता है और 4:30 बजे तक अंधेरा हो जाता है। तो अगर आप गर्मियों की बात करें तो रात में 10 बजे तक धूप चमकते रहेगा और 9 बजे तो लगेगा कि पूरी तरह से अभी दोपहर है। यही है एडमंटन, हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारे वाहे गुरु जी के मंदिर में। उम्मीद करता हूँ कि हमारे साथ आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। अभी इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, फिर जगह पर उतर करके आपको फिर से आगे का वीडियो फिर से रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग आ गए हैं, उस जगह पर उतर गए हैं जहाँ से कि अब गुरुद्वारे की तरफ जाना है और अब पैदल चल रहे हैं। ऑल इंडिया सुपर मार्केट, एक्चुअली ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर कि इंडिया का सारा जितने भी आपको इंडियन ग्रोसरीज चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। मिलोट्स कहते हैं इस जगह को। इंडियन रेस्टोरेंट से यहाँ पर सब कुछ है, ग्रोसरी स्टोर, वेजिटेबल स्टोर और गुरुद्वारा भी यहीं पर है। गुरुद्वारा है ये। सॉरी, तो लगभग गुरुद्वारा पहुंच चुके हैं हम लोग और अभी गुरुद्वारे के भीतर जाने वाले हैं। ये देखिए फ्लैग, गुरुद्वारे का फ्लैग। और अब हमें जाना है अंदर। मुझे पता नहीं कि अंदर में क्या होगा, क्या रिचुअल्स हैं, तो वहाँ पहुँच कर पता चलेगा। ये रास्ता है शायद अंदर जाने का। बोस बाबू पहले जा रहे हैं और उनके पीछे मैं खड़ा हूँ। प्रणाम करता हूँ। आई डोंट नो कि मैं रिकॉर्ड अंदर कर पाऊंगा या नहीं, इसलिए मैं बंद करता हूँ।
तो ये रहा गुरुद्वारा वाहेगुरु जी का मंदिर, और यहाँ पर काफ़ी लोग आते रहते हैं। अभी मेरे साथ ही एक चाइनीज बंदा आया है और यहाँ पर प्रसाद लिया जाता है। देखिए लोगों ने प्रसाद लिया और अभी लंगर के लिए हम लोग जाएंगे। वहाँ पर पाठ हो रहा है गुरु ग्रंथ साहब का। तो आया हूँ मैं गुरुद्वारे में उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा विजिट मेरा अच्छा लग रहा है। नानक जिस लिखया। तो यहाँ चल रहा है लंगर और मुझे भी अब उस लंगर में जाना है। चलिए चल के बैठते हैं। यहाँ से थाली लेना है और यूँ खाना लेते हुए सेल्फ सर्विस है और वहाँ जाकर बैठ बैठ जाना है। काफ़ी टेस्टी खाना है, काफ़ी मज़ा आया गुरुद्वारे में आकर के। और फिलहाल वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं बोस बाबू। चलिए जरा इन लोगों से मिल लीजिए। तो ये रहे हमारे बोस बाबू खाना खाते हुए। उठ के नहीं जा सकते। सिमल से हाय, विश्वजीत हाय, एंड जॉन से हाय। तो ये हम लोग पांच लोग आए थे, बोस बाबू, सेमल, विश्वजीत और जॉन। जॉन चाइनीज हैं, सेमल बांग्लादेश से हैं, और सब लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर जूते खोल के हम लोग निकले थे और अब समय आ गया है वापस जाने का। लंगर ख़त्म, उस समय जैसा कि आपने देखा उन्होंने मना किया मुझे वीडियो बनाने के लिए कि लंगर खाते समय वीडियो मत बनाओ, और इसीलिए मैं लंगर खाते समय वीडियो बंद कर दिया। और भी यहाँ पर जाने की तैयारी में लोग अपने अपने जूते, अपने अपने जैकेट्स लोग पहन रहे हैं और मैं भी पहनने जा रहा हूँ। तो गुरुद्वारे से बाहर निकल के फिर से रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ। तो काफ़ी मज़ेदार रहा गुरुद्वारे का सफ़र। और अभी हम लोग बस स्टॉप पर बस का इंतज़ार कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये बस स्टॉप, हम लोग यहाँ पर बस का इंतज़ार कर रहे हैं। 4 मिनट और हैं बस आने में, 4 मिनट के बाद हम लोग बस पर जाएंगे और वापस जाएंगे। बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। एक बार जरा रात का सीन देख लीजिए। ये रात तो नहीं लेकिन लगभग शाम हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा शाम हो चुका है। शाम में ये गुरुद्वारा आपका रहा। गुरुद्वारे के ऊपर देखिए किस तरह से लाइट्स लगी पड़ी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग था गुरुद्वारे में घूमना। और यहाँ पर हमारे मित्रगण बस का इंतज़ार करते हुए अंदर जाकर के, क्योंकि बाहर ठंड है, लोग अंदर ही वेट कर रहे हैं बस का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको गुरुद्वारे का सफ़र मज़ेदार रहा होगा। हम लोग वापस आ गए हैं उसी स्टेशन पर जहाँ से हमने पहली बार ट्रेन पकड़ा था। 5:56 हो चुके हैं जैसा कि आप सामने के घड़ी में देख सकते हैं। और अब बस वापस जाना है, वापस जा करके बाकी का काम करना है। सिर्फ 6 बजे हैं और पूरी तरह से रात हो चुका है, यही होता है यहाँ पर। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर वो वीडियो हो या ब्लॉग हो, फिर से मिलेंगे IT सिंप्लीफाइड इन हिंदी पर। धन्यवाद।